मैंने फाइनली चीज़ें ले ली हैं, ये सारी जो पड़ी है ना इधर नज़र आ रही है आपको। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे जी खाने का बहुत मज़ा आया है, माशाल्लाह बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और मैं खा रही हूँ हाथों के साथ गर्मा गर्म चावल साथ में सलाद। और सभी माशाल्लाह की मैं कमेंट्स पा रही थी, कमेंट्स आ रहे थे मेरी प्यारी प्यारी बहनों के, सिस्टर के, भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि माशाल्लाह जब आप अपने हस्बैंड आपके साथ मिलकर काम करवाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो कहती हूँ हर एक हस्बैंड को ऐसा ही होना चाहिए, अपनी मिसेज के साथ मिलजुल के काम करवाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम आर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामरा भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक साहब की दिल की ख्वाहिश पूरी करे। जो लोग परेशान, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे। जो लोग बीमार, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदरुस्ती और शफा दे। जो लोग बेऔलाद, अल्लाह पाक उनको प्यारी सी उलासे नवाजे। जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक उनको बेटी दे। जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक उनको बेटा दे। अल्लाह पाक साहब की दिल की ख्वाहिश पूरी करे। आमीन। जो लोग कारोबार से परेशान है, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे। जो लोग बच्चे और बच्चों के रिश्ते से परेशान है, अल्लाह पाक सब बच्चे के नसीब अच्छे करे और सब बच्चों के मुकद्दर अच्छे करे। आमीन। जो लोग इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मेरी आर फैमिली के लिए लव यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक सबको खुशोबाद हंसा और मुस्कुराता रखे, अपनी इज्जत मान में रखे। तो जी फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस, ताकि तमाम जो मेरी वीडियो आपके पास आती रहे, खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, करते रहेंगे। और यहाँ पे जी हमारा नाश्ता रेडी है, हम रूम में ले आए हैं दही, जो कि हम लेके आए थे कल, लेके आए थे मलाई वाला दही, ज़बरदस्त। ये देखे कितना शानदार और कितना ज़बरदस्त है। और बस जी हम दही खाएंगे, नाश्ता करेंगे, साथ में हमारे पास बंद है। और गुड मॉर्निंग होगी जनाब। गुड मॉर्निंग है इस्मान यान का, यान की देख रहा है यान में। गुड मॉर्निंग बोल दे कि ये हो गया। हां गुड मॉर्निंग यार, मुझे कुमड़ी भाई ये जो बैठ तो यहां पे जी आप भी छोड़ें अपना मोबाइल और यहां से आप दही स्टार्ट करें, नाश्ता वगैरह करें, फिर सैलून जाना। मैंने मेरी ब्राइड है अभी, इसको मैंने कॉल की हुई थी कि कितना टाइम है, तो उन्होंने भी निकाह से पहले ही रेडी हो जाना है। अभी उनकी बारात नहीं आई, अभी वो कह रही है मैं आधे घंटे तक अभी आ रही हूँ, तो बस मैं आधे घंटे तक हम भी नाश्ता शाश्ता कर ले जल्दी जल्दी से, तो फिर हम चलते हैं सैलून में आपके साथ। तो यहाँ पे जी हमारा नाश्ता है जी, मोस्ट वेलकम मेरी प्यारी फैमिली। आप भी हमारे साथ मिलना, थोड़ा थोड़ा गोला पड़ गया है। अच्छा कोई कहा नहीं, उतर उतर पड़ गया खैर, बस तुम तो एक बार लग गए फिर तो सिर्फ। अच्छा जी, ये चीनी अपनी मर्जी से ले डालें, वैसे ना वो शक्कर भी होनी चाहिए थी ना। हाँ मुझे अब कह रही थी मैं ले आता। हाँ सही, यहाँ गया भी था अभी बाजार, चीनी लेके आया है। नहीं नहीं अब रहने दो, ऐसा तो चंगा इसने चले तो जाना है। मैंने मैंने बोला कि जाओ ले आओ मेरे लिए शक्कर, तो उसने ले भी आनी है, लेकिन हम खुद लेके आएंगे ना ब्राउन शक्कर, बड़ी मज़े की लगती है। चलिए जी नाश्ता वगैरह करते हैं। हाँ जी जनाब जी, फिर हम हो गए हैं रेडी और चलते हैं। और आज थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, हाँ चल रही है, बदल है, बदल अच्छा जी यहाँ पे जी धूप छूप रही कोई नहीं, काम ना करते सर्दी सर्दी तो आगे बड़ी है जी। फ्रेंड फाइनली हम अपने सो गए हैं, बोलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ अभी आई नहीं है, नहीं आती है, कोई बात नहीं अभी आ जाती है, हम तो आ गए। तो जी फ्रेंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्राइड को रेडी, तो मेरी ब्राइड आ गई थी, बस उनका काम शाम हो रहा है, तो बस रेडी शेडी कर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो जी फ्रेंड फाइनली ब्राइड तैयार हो गई, अब यहाँ पे होने वाला है पार्टी मेकअप वगैरह। ब्राइड तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और यहाँ पे जी बस अपना यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं, पार्टी मेकअप वगैरह करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने अपना सामान वगैरह क्लोज कर लिया था, अब हमने जाना है, चलते हैं। आपका जो भी एक्टिविटी होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। जनाब से पूछते हैं अरे हाय नींदरा शिंदरा बड़ी आंदी पी नहीं यार, चलो फिर सो जाओ, फिर सो जाओ, तू जाके सो जाओ, मैं जाके काम शाम कर लूंगी, जरा मेरा करना रहेगा, बड़ी गल है। काम को एक दिन बोल के सो जाओ, बर्तन मत धो, मिनट लगाओ, मिनट बर्तन धो, क्या बात है, बड़ी गल है, बड़ी गल है। सुबह धोते थे जो दो चार से भी धोते, मैं
ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਚਲ ਚੱਕ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਘਰ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਹੀਰੋ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀਏ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਬੰਦ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਏ, ਆ ਜਾਏ, ਆ ਜਾਏ ਜਨਾਬ, ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਾਈਕ ਸਟਾਰਟ। ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਪਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अच्छा जी फ्रेंड, यहाँ पे देखिए जी कितना प्यारा साग है, ये देखिए सरसों का साग कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे हम लेने आए हैं सब्जी, और यहाँ से हम लेंगे मटर लेंगे, साथ में लेते हैं मसाला वगैरह लेते हैं, और मटर फ्राई बनाऊंगी मज़ेदार सा, हरे हरे मटर, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। बस जी हम जा रहे हैं, और बच्चों के लिए लेने जा रहे हैं कुछ चीज़ें, बेकरी का सामान वगैरह वो लेते हैं, फिर हम चलते हैं। और यहाँ पे ये देख रहे हैं रौनकें, देखें इस टाइम सर्दी के मौसम में कोई लोग आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, फिर हम आ रहे जी। यहाँ से हमने ले लिया है बेकरी का सामान, बंद भी ले लिए हैं, बक्साने भी ले लिए, और ये जो है ना बहुत अच्छी है, ये मैंने ली है, और ये बहुत मज़ेदार है। ये देखिए जी शॉप यहाँ पे, ये देखिए इन्होंने आग भी लगाई हुई है हाथ गर्म करने के लिए ना, कोयले गर्म करने के। अरे हाथ सेकने का इंतजाम किया है, जिन्होंने सर्दी लगी हाथ सेकने में। और भी देख लो चीज़ें कुछ, मैं तो यार बैठ गई हूँ काम चीज़ें, मैंने कहा ले लें आप बैठ के ना, वो भी ले लें, वो भी ले लें। हाँ सही है कि दूसरा लेना, वाइट वाला सही है। ये देखिए मैं यहाँ पे बैठ गई, थोड़ा सा हाथ गर्म कर लेती हूँ, ठंडी ठंडी हो गई। तो जी मैंने फाइनली चीज़ें ले ली हैं, ये सारी ये जो पड़ी है ना इधर नज़र आ रही है आपको, नहीं ये हमारी हैं, ये यहाँ से देखे ना यहाँ तक, ये मेरी चीज़ें हैं, तो ये हमने ले ली हैं, यानी कटो पर से पैसे। अस्सलाम वालेकुम लाडो, पिंकी ना जान बोझ के ना तीनों के सामने प्यार करी चीज जा रही है। चलो रास्ता तो दे रहा, मेरी बोनी रास्ता तो दे, बोनी रास्ता नहीं दे रही, और हम आ गए घर, और फाइनली फाइनली पहुंच गए जी घर। अस्सलाम वालेकुम लाडो, पिंकी ना जान बोझ के ना तीनों के सामने प्यार करी चीज जा रही है। चलो रास्ता तो दे रहा, मेरी बोनी रास्ता तो दे, बोनी रास्ता नहीं दे रही, और हम आ गए घर, और फाइनली फाइनली पहुंच गए जी घर। स्पीटा में जा कर लिया, स्पीटा दे तू मटर, जी हम बना के मटर पुलाव, जल्दी जल्दी बनने वाला इजी मटर पुलाव। मैंने काम कर दिया अपना स्टार्ट, और मैंने प्याज को छीन लिया है, और मेरी आँखों में भी आ रहा है। यहाँ पे जी जल्दी से मसाला तैयार करते हैं, और यहाँ पे इसमें मटर पुलाव साथ जल्दी तैयारी करेंगे, हमारा मटर पुलाव जल्दी से बन जाए। मटर को मैं लेके आई हूं, तां अच्छा जी यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, और पीस पे पीस से बनने वाला ना, यहाँ ना मुझे चावल बस निकाल दे, चावल निकाल दे, जरा मटर दाने वाले कर दा ना, कोई ना नहीं। मैं कह रही हूँ कि गैस आ रही है, तो गैस का जो ना फैला तीन डाले उसके अंदर है ना, अपना जरा अपना जरा आयल रोड लगी थी। अच्छा अच्छा खुला जी, आओ तो वो जो रोड जाता तो फिर खुला ही सी बस जा रहे ना, जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं, आते ही ना मैंने अपना काम कर दिया स्टार्ट। मैं मटर खरीद लिया टिकाड़ा मटर निकाले है, बिल्कुल बिल्कुल काम हो रहा, बिल्कुल टीकी टीकू क्यों झगड़ा कर रहे हो आपस में, आया। अच्छा जी लाए जी मेरा मसाला, ये है जी मेरे टमाटर और हरी मिर्च और अदरक, ये तो मैंने कर लेना है ग्रैंड सारे मसालों को,
यहाँ चावल ले क्या बेटा तू सभी फैल यहाँ पे जी हम बना रहे हैं मजेदार सा मटर पुलाव जब कोई समझ ना आए ना तो फिर जल्दी से आप यही बना लो कामरन से मटर निकाल दिए मैं कहना चैलेंज नहीं करना मैं चैलेंज नहीं करना चैलेंज ये है मैं हो गया चैलेंज तू मनो थोड़ा ना क्या जो इधर ये प्रॉब्लम निकाल ले भर के निकाल ले उसके अंदर शापल भी है उसके अंदर ये खड़ा हो गया मगर बार बार के निकाल ले तो यहाँ पे ना बस ये अपना क्या लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ी थी माशाल्लाह सारे बड़े खुश हो रहे थे कोई मतलब के बहुत प्यार करते हैं बहुत सारा दुआएं करते हैं हमारे लिए माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लगता है कि चली फैमिली हमें देख के खुश होते हैं माशाल्लाह आस पास भी है ना मटर थोड़े जीते में खाते भी नहीं हो खा ले इसमें जा रहा हूँ नहीं यार ना दो मटर खाना कहते कि मटर काट जाने नहीं नहीं चावल आज मार के खाऊंगे खा ले इसमें जा रहा हूँ नहीं यार क्या मैं गाल करके लाई अच्छा जी मेरे यहाँ से थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है हाँ जी स्पाइसी जिस तरह मर्जी बना लो स्पाइसी चलें जी फ्रेंड यहाँ पे ना हम साथ साथ आपके साथ हर बात के तक रहेंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कामा साहब क्या कर रहे हैं तो दाने काट देते हैं मटर निकाल लिया मेरे मसाला यहाँ पे रेडी कर लिया तो बस यहाँ पे प्याज हो रहा है मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक यहाँ पे जी प्याज को तो हो गया डन इसका जी हल्का सा इसके अंदर डालते हैं पानी फिर इसका निकालते हैं प्यारा सा कलर जी यहाँ मैं मैंने डाल लिया मटके और इसका हम बना रहे हैं मज़ेदार सा आलू मटर पुलाव कामरन ने आलू लेके आए बड़े मज़ेदार से वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे इसी तरह से ना ये मसाला अदरक लहसुन और हरी मिर्च इसका पेस्ट मैंने डाल दिया है अब इसके अंदर डालेंगे नमक मिर्च जीरा लौंग काली मिर्च दालचीनी मोटी इलायची सारे मसाले हम इसके अंदर डालेंगे मसाला हमारा बड़ी जल्दी से हो गया डन अब नए चावल है इसको भिगो लेते हैं कामरन ने आलू वाह जी वाह क्या बात है हीरो ने कमाल कर दिया चोरिया फाला और माल बना दिया वाह जी वाह देखो जी वाह हीरो ने कमाल कर दिया धोती को फाड़ कर माल लाल जीरा है लौंग है काले मिर्च है और दालचीनी है नमक है लाल मिर्च है सारे मसाले मैंने सिरने डाले हैं हरी मिर्च वगैरह डाली है सारा कुछ डाल दिया और साथ में गन्ने का खा लिया भुनाई यहाँ पे जी मटर भी इसके अंदर डाल देते हैं इसकी हम करते हैं भुनाई वगैरह अच्छे से इसको भून बांध लेते हैं कामरन ने यहाँ पे चावल धोने शुरू कर दिए आए हाय आए हाय क्या बात है जी यहाँ पे मम्मा और पापा की एक तरह रेस लगी हुई है आज बड़ी स्पीड स्पीड से आते ही काम शाम शुरू कर दिए इन्होंने तो देखते कौन भी जीता होता है बैठ गए अभी लगे हुए पापा भी एक घंटे से चावल धोने हाँ जी मटर पुलाव तो सिर्फ ऑप्शन में है वो तो मैं जब रात को अक्सर भूख लगी तब खाएंगे लेकिन ये कि अभी मैंने कबाब बना के खिलाने हैं वैसे मैंने बना दिए मैंने कहा रात को भूख लगती है मम्मा तो कुछ खाना है तो मैं इनके लिए वो बना रही हूँ ये रात खाते पीते रहे और इंजॉय करते रहे साथ साथ ये देखे जी मेरे आलू भी डालना है मसाला भी डालना है और यहाँ पे मटर भी डालना है और खूब खूब शक्कर भी आ गया और मैंने ना इसके अंदर सिर्फ घर के मसाले ऐड किए हैं कोई बाजार का नहीं है तो आलू मटर ही हम खा लेते हैं तो वो टेस्ट ना बहुत ही मजेदार लगा हुआ है मुझे तो ऐसे भी पसंद है मैं खा लेता हूँ आंटी के घर से जाके खा लेता था अक्सर आंटी ने बनाई इतनी सब्जी तो वहाँ जाके खा लेता हूँ भुनाई अभी ये अच्छे से ना इसकी भुनाई करेंगे फिर इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल करेंगे फिर हम इसके अंदर डाल देंगे चावल जो यहाँ पे रखे हुए अभी धो के जल्दी ली ये देखी कामरा ने मैंने वैसे साफ किए थे ये थोड़े थोड़े बांधे हैं इसके निकाल लेते हैं
ये देखिए जी चावल भी हमारे अच्छे से हो गए हैं। नए चावल हैं, आलू मटर है, क्या कहते हैं आलू मटर पुलाव बनेगा अब नई चावलों का मज़ेदार सा। हाँ मैंने साथ साथ ना बर्तन भी वॉश कर दिए, कोई बर्तन नहीं छोड़ा, दूध भी आ गया, लड़का भी बॉयल आ गया हुआ है, बस ठीक है सारे काम खत्म हो गए हैं। यहाँ पर भी गैस हो गई बंद, फिर मैंने रखा सी अलग तो यहाँ पर भी उसकी मैंने कर लिया बनाई, अपने पानी भी छोड़ना रखा है, अब इसके में पानी डाल के फिर मैं इसके में डालूंगी चावल। तो जी हूँ थले जमीन पर बैठ के काम शुरू हो गया, देसी म्हौल तो मिठे चौल तो जी फ्रेंड यहाँ पे ये देखिए जी हमारा मटर पुलाव हो गया रेडी, और यहाँ पे जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गर्मा गर्म जी इसको करेंगे टेस्ट। हाँ हाँ जनाब इसको खाते हैं और यार संभाल रहे हैं। ये देखिए जी हमारे माशाल्लाह और यहाँ पे जी गर्मा गर्म हमारे मटर पुलाव हो गया है रेडी जी, जिसने खाने जी मोस्ट वेलकम। चलिए जी मैं इनको डाल के देती हूँ, खाते हैं बच्चे। ये देखिए इसकी लुक मज़ेदार सी जूसी जूसी बनी है और गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार। तो जी फ्रेंड यहाँ पे जी खाने का बहुत मज़ा आया है माशाल्लाह, बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बने हैं, और मैं खा रही हूँ हाथों के साथ गर्मा गर्म चावल, साथ में सलाद गाजर मूली इस तरह से। और जी जिसने खाने हैं तो मोस्ट वेलकम आ जाए। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है। अभी गर्म गर्म से वैसे भी जाकर गर्म गर्म का वैसे ही खाने का बहुत मज़ा आता है मटर पुलाव। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे जी मैंने चीनी पत्ती थोड़ा सा नमक दूध के अंदर डाल दिया, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। खाने के बाद आपको पता है जिसने चाय नहीं पी उसने कुछ नहीं पिया। बस कामरा साहब बैठे हुए हैं, मुझे पता है उन्होंने सो जाना, मैंने चाय लेके जानी है ना तो उन्होंने सो जाना है, लेकिन मैं इनको जगा लूँगी। लेकिन यहाँ पर मन रही है चाय, मैं लेके आई हूँ बड़ा मज़ेदार सा बेकरी का सामान बच्चों के लिए, सामान उठा ही नहीं है, और खाने का बहुत मज़ा आया रायते के साथ साथ में सलाद थी, आलू मटर पुलाव था, बहुत मज़ा आया। भूख भी लगी हुई थी, सारे सुबह दही खा के गए थे, उसके बाद मैं फुल डे पार्लर में बिजी रही, कुछ खाया भी है नहीं, तो फिर घर आते ही खाना खाया। मतलब कि ना मैंने कोई चीज़ बाहर से फालतू कोई भी नहीं खानी होती, बड़ा दिल करे ना अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो पीनट मंगवानी होती है मैंने, वो खानी होती है, अदरवाइज घर दे आना खाना बनाना वही खाना बच्चों के साथ बैठ के, तो उसका ही मज़ा आता है, फैमिली के साथ बैठ के खाना खाने का अपना ही मज़ा आता है माशाल्लाह। और सभी माशाल्लाह की मैं कमेंट्स पा रही थी, कमेंट्स आ रहे थे मेरी प्यारी प्यारी बहनों के सिस्टर के भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि माशाल्लाह जब आप अपने हस्बैंड आपके साथ मिलकर काम करवाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो कह रही हूँ हर एक हस्बैंड को ऐसा ही होना चाहिए, अपनी मिसेज के साथ मिलजुल के काम करवाना चाहिए, और आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी मिसेज को भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर जी बर्तन वगैरह वॉश हो गए हैं और मैं कामरा सो गए थे, तो फिर मैंने कहा चले मैं कर देती हूँ, और यहाँ पे जी बर्तन वगैरह वॉश हो गया, फिर मैंने चाय बना ली, यहाँ पे मैंने चाय रख दी ऊपर, बस चाय डन होती है, फिर रूम में पीते हैं जाके चाय, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है, अब ज़्यादा गैस नहीं आ रही ना, तो मैं यहाँ पे सिलेंडर पे चाय बना रही हूँ, तो बस यहाँ पे बस चाय हमारी अच्छे से डन होती है, तो फिर हम चलते हैं रूम में जाके चाय पिए। बस जी हम इसको थोड़ा सा फेंडे छेंडेंगे क्योंकि इसके अंदर भी बलाई शलाई है, तो मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। कामना कहती है अक्सर कप में डाला करो, दूध चाय में ना डाला करो, मैं चाय में इसलिए डालती हूँ चाय का बड़ा मज़ा आता है, बहुत ज़बरदस्त चाय बनती है फिर मलाई डाल के। तो जी फ्रेंड फाइनली यहाँ पे जी चाय रेडी है, ये है जी कामरन की मज़ेदार की चाय, ये है रेहान की, ये है जान की, और ये है सुबहान की, और ये है मेरी और कामरन की, हमारी चाय है रेडी। तो बस अब चलते हैं रूम में जाके चाय पीते हैं। ये है जैसे डाके पीनी है कितने को लेके ये सॉस भी साथ में जाए साथ में लेके थे, ये वो भी आ गई है यहाँ पे जी बाकर खानी वगैरह, और यहाँ पे जी अपनी भी पसंद की चीज़ें हैं इनकी, और सुबहान देखिए सुबहान सुबहान ये मेरे व्लॉग में अब आया, ये सोया हुआ था, इसको नींद आई हुई है, होश कर करके पी के खा के फिर सो जाओ। तो यहाँ ले लेते तुम भी जो लेना, ये भी बाकर खानी है,
वो भी वक्र खानी है, जो उनसे मर्जी ले लो, डोंट बी एट मारी। ये वाली नींबू पर खाना दिखाना जरा, ये बहुत ज़बरदस्त। ये दो पैकेट लेके आई यार, ये दो पैकेट लेके आई, आपके लिए भी लेके आई हूँ। ये अभी नहीं वैसे खानी, ये बाद में खाएंगे, अभी चाय पियेंगे। ये चाय, ये देखिए जी, मज़ेदार सी चाय। बकरानी बस डाले और डालते हमारा। अच्छा, पहला बिस्किट पसंद है मम्मा को, पता था ना मम्मा तेरा मित्र ये लेके आई है, और मम्मा तेरे लिए ये भी लेके आई है, इस तरह का भी लेके आई है, खाया? अच्छा बाद में खाएगा, मैं तेरे लिए ले रहा बिस्किट लेके आई थी, जान के लिए ले रहा लेके आई थी, और पापा के लिए ले रहा। पापा की तरफ देखो जरा, कामर का बहुत ईद आई हुई है। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे हम चाय पीते हैं, इंजॉय करते हैं फैमिली के साथ। आप भी खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह सुबह नहीं, गुड मॉर्निंग के साथ नहीं, वो लोग के साथ मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे जी, अगर मेरी एक्टिविटी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें आप लाइक, कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर से दबाना दे, वीडियो बस आती रहे। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय फ्रेंड्स, इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे नहीं, गुड मॉर्निंग के साथ, अल्लाह हाफिज़।